Yo guys, what's up and welcome back to another gameplay video of Tumble guys. आज की इस वीडियो में ना गाइज हम लोग एक स्पेशल स्किन को अनलॉक करने वाले हैं. अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कौन सी स्किन है वो. अभी वैसे ये देखो, ये है मेरे पास सारी स्पेशल स्किन्स जो अभी फ़िलहाल मेरे पास हैं. और अगर नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आती है दी ऑल न्यू ट्विस्टर स्पेशल स्किन. तो आज की वीडियो में हम लोग यही स्किन को ओपन करने वाले हैं. एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है गाइज, ये जो स्किन है ना, ये ना ही किसी जैसे व्हील वगैरह होता है लकी व्हील उसमें है. ये स्किन आई है एक ब्रांड न्यू इवेंट में जो कि ये टूर्नामेंट है. आप लोग देख सकते हो मैंने इसके सारे टायर्स अपग्रेड किए हुए हैं, बस ये लास्ट वाला रहता है. वो एक दो मैच में हमारा जो ये ट्विस्टर है ये अनलॉक हो जाएगा. एक लेज़र शार्क की स्किन थी वो हमने अनलॉक कर ली है, एज यू कैन सी वी हैव इक्विप्ड इट. और अभी का इस वीडियो की शुरुआत ना यार एक लकी व्हील के स्पिन से करते हैं. यार यहाँ पे वन स्टंबल टोकन निकला है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टंबल पास भी है न्यू. ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बाय कर लूँगा, अच्छी स्किन है इस बार इसमें. और न्यू इमोट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है स्पेशल. तो अभी मैं गाइज आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो इसमें न्यू स्किन आई है स्टंबल पास में. ये देखो जेट पैक जोन्स, ठीक है यार इतनी भी अच्छी स्किन नहीं है वैसे, हाँ ठीक है. और ये लिक्विड रेनबो, भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक स्किन लगी है मुझे, तो अच्छी बात है. तो अभी चलते हैं गाइज सीधा टूर्नामेंट के मैच के अंदर. अभी यहाँ पर मैं ये लेजेंडरी ब्लॉक डैश लगाने वाला हूँ. गाइज अगर इसको नॉर्मल ब्लॉक डैश से कंपेयर करें ना यार, बहुत ज़्यादा ही अंतर है इसमें. इसमें पूरे न्यू ऑब्स्टेकल हैं खतरनाक वाले, नॉर्मल वाला तो आपको पता ही है कितना आसान है वो. तो अभी मैच यहाँ पे स्टार्ट हो गए, होप करता हूँ कि मैं यहाँ पे आउट ना हूँ, फिर ही अच्छा रहेगा. और गाइस जो ये लेज़र शार्क की स्किन है ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी स्किन है. जब से गाइस मैंने ये स्किन इक्विप किया ना यार, मैं एक भी मैच यहाँ पर हारा नहीं हूँ. तो अभी यहाँ पर देखते हैं क्या होता है. अभी गाइस यहाँ पर मैं फंस गया यार, और अभी यहाँ से जंप करके अंदर चलते हैं. अभी दो मैच और लगेंगे फिर हमें ये निकल जाएगी न्यू स्किन. तो अभी देखते हैं क्या होता है इस मैच के अंदर. अभी यहाँ तो दो मैच लगाने पड़ेंगे हमें, या फिर एक मैच हमें पूरा जीतना पड़ेगा. यहाँ पे एक बंदा गाइस ट्विस्टर स्किन के साथ भी आया जो कि न्यू स्किन है, जिसके लिए अभी हम लोग ग्राइंडिंग कर रहे हैं. वैसे यार एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, जिनके पास ये स्किन है उन्हें ये मैच खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल मैच भी खेल सकते हैं. बट ये आई थिंक से जेम्स के लिए खेल रहे हैं. और अभी 7 प्लेयर एलिमिनेट हो गए हैं, देखते हैं कब तक होते हैं 15 प्लेयर एलिमिनेट. अभी गाइस एक किक से ना 2-3 आदमी यहाँ पे निकल गए थे, बट ये एलिमिनेट नहीं हुए. और अभी यहाँ से यार मैं नॉर्मली जाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने अभी टॉन्ट वाली ट्रिक की ना तो वो नहीं होने वाली. हाँ यहाँ पर किक कर सकते हैं, क्योंकि हर बार किक वाली ट्रिक जो है वर्क करती करती है. तो अभी एक प्लेयर रह गया, जल्दी से एलिमिनेट हो जाए. वो भी हो गया एलिमिनेट और हम लोग हो गए हैं इसमें क्वालिफाई. तो अभी चलते हैं नेक्स्ट राउंड में, देखते हैं हम लोग जीत पाते हैं या फिर नहीं. ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट राउंड हमारा स्टार्ट हो गया है. जो ये बोल्ट वाली स्किन है ना गाइस, ये भी मुझे निकल गई थी वो लकी ड्रॉ से, बट यार मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गया. बोल्ट वाली स्किन भी अच्छी है, इसका भी मैं गेम प्ले खेलूँगा एक आधी बार, आपको यूट्यूब पर वीडियो डाल दूंगा मैं. तो भी यहाँ पे इस मैच को हम लोगों ने क्वालिफाई करना ही करना है हर हालत में, क्योंकि गाइज अगर हम लोग इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो, और यहाँ पे जो लास्ट वाला राउंड होगा उसको भी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो हमारी ट्विस्टर की स्किन निकल जाएगी. यार उस आदमी ने ना हमें अभी पंच मारा है, उससे रिवेंज लेना है. ओके, तो एक हमने इसके किक मार दिया है और अभी तो रिवेंज कम्प्लीट हुआ नहीं, एक आधा पंच भी पड़ेगा इस पर. और अभी सही टाइमिंग आने दो, फिर मारते हैं इसके पंच. ओके अब मारते हैं, ये लो भाई इसके पंच भी पड़ गया है. और अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको एलिमिनेट करवा ही देते हैं मैच से बाहर, तो चलो नेक्स्ट राउंड में इसको एलिमिनेट करवा दूंगा मैं, अभी नहीं करवाने वाला. बेचारे को हम लोग यहाँ पे 20 जेम्स का रिफंड तो दे ही देते हैं जिससे ये ज्वाइन हुआ है मैच के अंदर. अभी यहाँ पे 2 प्लेयर ही अभी तक एलिमिनेट हुए हैं भाई, ये तो टाइम लगेगा इस मैच में तो मुझे लग रहा है. और अभी तक गाइस वो प्लेयर भी एलिमिनेट नहीं हुआ जिसने हमें पंच मारा था, अच्छी बात है. चलो नेक्स्ट राउंड में उसको एलिमिनेट करेंगे. और ये देखो गाइज, ये है न्यू ऑब्स्टेकल, कितना ज़्यादा खतरनाक है. मैं तो यहाँ पे इजीली आ गया हूँ, और यहाँ पे ये भी न्यू ऑब्स्टेकल है. यहाँ पे देखते हैं हो पाते हैं फिर नहीं हम लोग क्वालिफाई. ओके गाइज, तो यहाँ पे क्वालिफाई हम लोग हो गए हैं, और ये ऑब्स्टेकल भी बहुत ज़्यादा ईजी था. तो अभी यहाँ पे 8 प्लेयर्स रह गए हैं, देखते हैं लास्ट वाले राउंड में क्या होता है. तो यहाँ पे गाइज हमारा फाइनल वाला राउंड भी शुरू हो गया है, यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है. जब हम लोग स्किन से खेलते हैं ना गेम को, तब ऐसा लगता है कि हम लोग ही मैच को जीतने वाले हैं. तो यहाँ पे अभी उस प्लेयर को भी एलिमिनेट करवाना है ना हमने.
हाँ देखते हैं, ये पीछे ही है वो प्लेयर, हो सकता है वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाए। तो इसके अभी पंच मारने वाला हूँ मैं, भी करेक्ट टाइमिंग आ जाए। और यार वो मेरे ही मार गया दूसरा प्लेयर। गाइस यार अभी मैं पता नहीं क्या हुआ था, यहाँ पे पिंग फ्लक्चुएट हो गया था और मैं इसके ऊपर जा ही नहीं पाया और हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट हो गए हैं। तो अभी कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड लगाते हैं, देखते हैं उसमें हम लोग जीत पाते हैं फिर नहीं। देखो भाई सिर्फ 5 पॉइंट चाहिए हमें, ये न्यू स्किन जो है वो मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पे मैं लास्ट स्टम्बलर स्टैंडिंग वाला लगाने वाला हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे ब्लॉक डैश आ गया है। वैसे बहुत टाइम के बाद नॉर्मल ब्लॉक डैश खेल रहे हैं, पूरा इवेंट मैंने लेजेंडरी ब्लॉक डैश से ही खेला है। और अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी तो चाहे गाइस हम लोग एलिमिनेट हो जाएं, कोई यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है। और लो भाई, बात की एलिमिनेट की और हो ही गए एलिमिनेट। और यहाँ पे हमारा ये सीज़न कंप्लीट हो गया गाइस। देखते हैं नेक्स्ट सीज़न में कौन सी स्किन आएगी, इस बार तो यार बहुत ज़्यादा खतरनाक आई है। तो यहाँ पे ये रही ट्विस्टर गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है स्किन को क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पे अच्छा सा देखते हैं फुटस्टेप यहाँ पे कौन सा लगाएं। ये तो स्टम्बल पास में है फ्री, ये तो सबके पास ही होगा, ये हम नहीं लगाने वाला मैं। और बाकी कोई अच्छा है ही नहीं यहाँ पे फुटस्टेप, ये ठीक है। वैसे इसमें स्मोक सी है तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा स्मोक वाला, बट अभी हमारे पास नहीं है। अगर कोई व्हील वगैरह में है तो मैं इसको भी अनलॉक कर लूँगा। अभी एनिमेशन देख लेते हैं। एनिमेशन तो मैं यहाँ पे मेडिटेट वाली रखने वाला हूँ, क्योंकि वो जो यहाँ पे एनिमेशन है ना, उसमें ये हवा में फ्लोट कर रहा है, जो कि थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है एज अ टोर्नाडो। तो मैं यहाँ पे स्पेस ड्रॉप खेलने वाला हूँ, कभी कभार ही आता है गेम के अंदर। तो अभी गाइस हमारा ये स्पेस ड्रॉप का मैच जो है वो स्टार्ट हो गया है। देखते हैं इसके अंदर हम लोग जीत पाते हैं या फिर नहीं। वैसे ये पिछले महीने आया था ना आई थिंक से, तब खेला था मैंने। और वैसे ही ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, बस हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है टाइल्स का, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटी है ना वो स्पेस रेस वाली है। हनी ड्रॉप होता उसमें तो बहुत ज़्यादा आसानी से हम लोग जीत ही जाते हैं। और देखो भाई सभी कितना अच्छे से मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और यहाँ पे जंप करते हैं इसके ऊपर। और ये देखो भाई, ये अपने आप एकदम से आ गए हुए, ये फेक है भाई। वैसे हम लोग क्वालिफाई हो गए हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट राउंड में। ओके गाइस अभी यहाँ पे स्पेस ड्रॉप का सेकेंड राउंड भी स्टार्ट हो गया है। इस बार तो यार जीतना ही जीतना है हम लोगों ने ये मैच, क्योंकि जो भी स्किन मैं न्यू अनलॉक करता हूँ ना, उसका फर्स्ट गेम प्ले मैं फुल ट्राई करता हूँ कि उसमें मैं मैच में क्राउन जीतूं। और अभी हमारे 400 क्राउन होने वाले हैं, 3-4 क्राउन रहते हैं बस। और ये भाई टॉन्ट कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है स्किन के ऊपर, ये मैं बाद में ट्राई करूँगा। बट अभी मैं बिल्कुल नीचे गिर गया था, बट वहाँ पे बाउंस वाली होती है ना टाइल, वो थी इसलिए हम लोग बच गए हैं। और अभी एक प्लेयर रह गया, जल्दी से एलिमिनेट हो जाए। और हो गया गाइस वो एलिमिनेट, ये रहा। तो हम लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर गए हैं, अभी देखते हैं कि यहाँ पे फाइनल वाले राउंड में हम लोग जीत पाते हैं या फिर नहीं। तो गाइस ये आ गया हमारा फाइनल वाला राउंड, यहाँ पे देखते हैं हम लोग मैच को जीतते हैं या फिर नहीं। अभी ना मैं इस गोल्डन स्केलेटन का पीछा करने वाला हूँ, अगर अच्छी सी टाइमिंग लगे तो इसके पंच मार देंगे एक हम। बट यार यहाँ पे इसने टाइल पहले ही वो यूज़ कर दी, अभी मुझे आगे वाली टाइल यूज़ करनी पड़ेगी। और ये क्या हुआ था गाइस, गाइस अभी ना एकदम से गेम लैग सी हुई थी, पता नहीं आई थिंक से पिंग फ्लक्चुएट हुआ था हमारा। और मैं बिल्कुल अभी एलिमिनेट हो ही गया था, बट हम लोग गेमिंग स्किल्स के कारण बच गए हैं। और अभी तक क्या है, एक प्लेयर ही एलिमिनेट हुआ है, देखते हैं कि हम लोग ये मैच जीत पाते हैं फिर नहीं। दो प्लेयर अभी गए हैं, थोड़ा सा मुश्किल है ये मैच जीतना, बट यहाँ पे टाइल्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम लोग ईजीली भी जीत सकते हैं इसे। इस टाइल से हम लोग ऊपर चले जाते हैं। और यार ये अगर ये टाइल यूज़ ना होती तो मैं ज़्यादा ऊपर चला जाता, बट अभी हमें आगे वो वाली टाइल यूज़ करनी पड़ेगी जो नीचे है। और यहाँ पे 4 प्लेयर तो एलिमिनेट हो ही गए हैं, अच्छी बात है। तो अभी ना गाइस मैं ये वाली टाइल के ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं दूसरी टाइल यूज़ करके ऊपर जा सकता हूँ। और यहाँ पे 6 प्लेयर एलिमिनेट हो गए हैं, और देखते हैं 7th कब होता है एलिमिनेट। तो जल्दी से मैं इस टाइल पे जाता हूँ पहले तो। और यहाँ पे मैंने एनिमेशन को लगा दी, और वैसे हम लोग क्वालिफाई हो गए गाइस, नाइस। जो प्लेयर रहता था वो एलिमिनेट हो गया, और हम लोग इजीली यहाँ पे क्वालिफाई कर गए हैं ये राउंड। और ये स्किन की एनिमेशन देखो गाइस, कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये ट्विस्टर की स्किन की गेम प्ले अच्छी लगी होगी। अगर गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को कर दो लाइक। और ये देखो भाई कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है ये टॉन्ट इस स्किन के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।